दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर, और ये बहुत फेमस और अलग पहचान है और पुराना मंदिर है। आपको दिखाते हैं यहाँ क्या विशेषता है क्या नहीं है। और सामने का मैं फिलहाल आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है अभी बादल और कोहरा लगा हुआ है, यानी कि बादल जो है जमीन से ऊपर पानी लेकर चल रहे हैं। ये उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ पर होता क्या है कि देखो बादल हमें जमीन पे नीचे भी दिखते हैं, और जैसे बाहर जो है हम अगर प्लेन्स में चले जाए ना, वहाँ पे हमें बादल नीचे नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बादल जो है अपने सर के ऊपर से ही जाते हुए दिख सकते हैं। यानी कि हमें जमीन से जब पानी सोखते हैं तो उसके बाद हमें तुरंत जो है बादल यहाँ पे दिखते हैं। और आपको हम दिखाते हैं भी यहाँ का पूरा नज़ारा कि मंदिर की जो है क्या अपने आप में विशेषता है। और जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वहाँ पे भगवान बुद्ध ने तपस्या की हुई थी वहाँ पे, और आपको दिखाते हैं। और वहाँ पर दो ऐसे पेड़ हैं जिनकी आकृति बिल्कुल शेर की तरह है, और वो मंदिर भी आपको हम दिखाते हैं अभी। और जैसा कि अभी दिखाते हैं और देख सकते हैं अभी चारों तरफ का यहाँ का नज़ारा, पेड़ पौधे बहुत अच्छा, और ये बांस का जंगल है पूरा। कितने लोग आते हैं हम बाइक में? बाइक में जागी बात है, बाइक के ऊपर। हाँ, बाइक के ऊपर। ये तो रास्ता है इसलिए पैदल के लिए, पैदल के तो वहाँ नीचे को ऊपर वो किले तो ये बात आई जंगो गाड़ी पर इंटर तीनों बात आई। चल तू बोल मत अब।